कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर जारी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बीजेपी की जानिब से इस पर रद्दअमल का इजहार किया गया। आज अरुणाचल प्रदेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि इन लोगों ने 70 सालों तक मुल्क पर हुकूमत की, एक खानदान ने तो 55 सालों तक हुकूमत की, मगर इसके बावजूद कोई ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम मुकम्मल कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत का दिफा करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि सारे काम मुकम्मल हो गए, मगर मैं ये जानता हूं कि हर चैलेंज को चैलेंज करने वाला मैं इंसान हूं। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी जानिब सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करने वाले नामदार हैं। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि उनके इंतखाबी मंशूर में झूठ और बेईमानी है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उनका इंतखाबी मंशूर नहीं बल्कि ढकोसला है। जिन लोगों ने 70 साल तक राज किया, एक परिवार ने 55 साल तक राज किया देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए हैं। मुझे तो 5 साल अभी होने बाकी है, तो मैं भला ये तो दावा नहीं कर सकता हूं कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर समाधान कर सकता हूं कि मैं हर चुनौतियों को चुनौती देने वाला इंसान हूं। मुश्किल से मुश्किल काम हाथ में लेने